मामले को लेकर एक बार फिर से भाजपा ने प्रदर्शन आज किया। अपने प्रदर्शन में भाजपा पदाधिकारियों ने जिले के सभी थाने के सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के कोतवाली थाना गांधीनगर थाना और मणिपुर चौकी समेत जिले के सभी थाना के सामने भाजपा पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक के निर्धारित समय में प्रत्येक थाने के सामने 5-5 पदाधिकारियों धरने पर बैठे और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के अन्य राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ दर्ज FIR का विरोध करते हुए खुद गिरफ्तारी दी। धरने पर बैठे राजनेताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ झूठी FIR करने का गढ़ बन गया है। यहां के कांग्रेस सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लगातार FIR कर रही है। सर अपना नाम और पद बताएंगे। मैं त्रिलोक कपूर कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। उसे नगर निगम में सभापति में था इससे पहले। क्या यहाँ पे प्रदर्शन क्यों किया जा रहा ये है, क्या मांग है? टूल किट मामले में जो भारतीय जनता पार्टी ने पर्दाफाश किया, कांग्रेस उसमें षड्यंत्र में शामिल थी और ये जो कोरोना काल में पूरा देश में झूठे समाचार चलवा रहे थे टूल किट के माध्यम से, तो उस पर भूपेश सरकार ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर, संबित पात्रा पर और कुछ हमारे नेता हैं उन पर उन्होंने सत्ता का दबाव डाल के मुकदमा कायम कराया है। उसका हम विरोध कर रहे हैं कि भाई एक तो आप गलत कर रहे हो और फिर से हमारे नेताओं पर आप मुकदमा कायम कर रहे हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर कोई आप जेल भेजना चाहते हैं तो हम सब जेल जाने को तैयार हैं, हमको भी आप जेल भेजिए। तो अभी आप लोग यहाँ क्या करने बैठे? हम जेल जाने के लिए बैठे हैं कि गिरफ्तार करिए हमको। क्या कहा जा रहा है आपको? अभी तो कुछ नहीं कहा है, देखते क्या कहते हैं। किस चीज़ के लिए आप लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मेन कारण क्या है? मेरे कारण भूपेश सरकार की तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी, और चूंकि पूरी तरह सरकार फेल है और ये सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना चाहते हैं और इनका कोई काम नहीं है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी थानों के सामने कोविड के नियमों का पालन करते हुए 5-5 पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता 3 बजे से 5 बजे तक धरना आयोजित किया गया है, जिसके तहत डॉक्टर रमन सिंह जी जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर एक फर्जी तरीके से एक FIR एक आरोप लगाकर टूल किट के मामले में किया गया। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण, पॉलिटिकल रिवेंज के कारण छत्तीसगढ़ में लगातार FIR करने का गढ़ बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, सभी को अपना बात कहने का अधिकार है, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है। पर छत्तीसगढ़ में ये देखने को आ रहा है कि लगातार राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर FIR किया जा रहा है, जिसके विरोध स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देने के लिए सभी थानों के सामने गए हैं। चूँकि कोविड महामारी का दौर है, इसलिए कोविड का पालन करते हुए 5-5 कार्यकर्ता आज सभी थानों के सामने गए हैं कि अगर डॉक्टर रमन सिंह की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ सरकार करना चाहती है तो हम कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी की जाए।